हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बनाने वाले हैं एक इंडक्शन कुकटॉप है प्रेस्टीज का। रिपेयरिंग करके देखेंगे इसमें क्या है और इसको पावर सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद इसे बैठ जाएगा, इसको ऑन करते हैं। यहाँ से इजी ओइरा रहता है, पानी को रख के देखते हैं। ये चल रहा है, अपने आप फिर बंद हो जाते हैं। इसका प्रॉब्लम कहाँ से है वो देखेंगे। पानी भी गर्म नहीं हुआ है। पावर कट हो जाता है अपने आप। जैसे खोल दिए हैं स्क्रू को, ये ऊपर का जो पैनल है उसको बाहर कर देते हैं। देखिए, इसको कोयल को खोलेंगे। ये भी निकल गया, बोर्ड को भी, जो पीसीबी बोर्ड है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। पहले ऊपर से देख लेंगे कहीं से कुछ खराब तो नहीं है। देखिए, इसका कैपेसिटर ये खुल के ये फट गया है। कैपेसिटर फट गया है इसका। और बाकी दूसरा पार्ट्स को भी देख लेंगे अच्छे से, बाकी दूसरा पार्ट्स ठीक है। सिर्फ इसका कैपेसिटर फटा हुआ है। ये भी कैपेसिटर है, ये ठीक है। कैपेसिटर को चेंज करके देखते हैं पहले। ये कैपेसिटर को पीसीबी से बाहर निकाल लेंगे। ये कैपेसिटर बाहर निकल गया। अब सेम यही नंबर का दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। पहले इसको सफा कर लेते हैं। ये डिसोल्डिंग पंप है, इसे इसको सफा कर लेंगे पहले। हो गया। ये दूसरा, ये नया कैपेसिटर है, इसको लगा के देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। Thank you.
हो गया, अभी इसका सोल्डरिंग कर दिया है अच्छा से। अब इसको पीसीबी को स्क्रू से टाइट करके एक बार चेक करके देखेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। यह अभी हो गया, अब इसको फिर सप्लाई दे के रखते हैं, चेक करके देखेंगे। इसको ऐसे ऑन करेंगे, पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है। पानी में भी दिखाई देगा, देख सकते हैं पानी गर्म हो रहा है। थोड़ा पानी को उबलने देंगे, पानी गर्म हो रहा है। इसका कैपेसिटर फटा हुआ था, इसलिए इसको वोल्टेज नहीं मिल रहा था कोयल को। देखिए पानी उबलने लगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और चैनल में अभी तक नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।